क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट की, कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती सॉलिड की। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं हम, सॉलिड क्या कहते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आते हैं, इसमें सॉलिड क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। हम क्या कहते हैं कि सॉलिड किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके घटक कण एक दूसरे से नजदीक जुड़े होते हैं और उनके मध्य क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अंतरणिक बल होता है वो मजबूत होता है। तो हमने क्या कहा, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो घटाकण होते हैं उसके आर क्लोजली पैक्ड, या बोल सकते घटाकण जो होते हैं उसके आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने क्या कहा कि ठोस किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके घटक कण जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, और जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रबल होता है। तो हम एक क्या पहले पढ़ते थे हम कि जो सॉलिड होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में होता है, गैसेस जो आयंस होते हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होता है। आज हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि सॉलिड जो होता है क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। फिर प्रॉपर्टीज हम 10th लेवल में पहले पढ़ते थे, इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं कि शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट। हम क्या बोल सकते हैं, जिससे साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट। तो इनका जो आकार और आयतन और आकृति जो होती है सॉलिड की क्या होती है, फिक्स होती है। और जब इनकी हमने ये फर्स्ट पॉइंट यहां पर कहा था क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसके कारण क्या होंगे, उनकी लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, उनका जो संपीड़ता होगी वो बहुत कम होती है। देयर लो कंप्रेसिबल, जो क्या होते हैं कम संपीड़ता होते हैं, संपीड़ता उनमें बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं देयर लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी में घनत्व क्या होता है बहुत कम होता है, डेंसिटी कम होती है। इसका रीजन भी क्या था, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था सॉलिड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, हम इसमें इस चैप्टर में बात करेंगे टू टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता एमरफस सॉलिड। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसमें एमरफस सॉलिड को हम अक्रिस्टल ठोस भी कहते हैं। तो बच्चों अक्रिस्टल ठोस होता क्या है कि जैसे हम पे क्या होता है, बनने की सिर्फ उनकी पोजिशन जो उनकी जुड़ने की व्यवस्था है उसके आधार पर हम उसको एमरफस और क्रिस्टलाइन में डिवाइड करते हैं। जब हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो जैसे हम पे चौक होता है ना, तो चौक क्या होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और जैसे मार्बल होता है तो मार्बल भी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। लेकिन चौक हम क्या करते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं लेकिन मार्बल को इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उन दोनों को हमने क्या करा था अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं उसको। एक तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके क्या है, जिसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो इसी कैटेगरी के बेसिस पे हमने इसको दो क्लास में डिवाइड किया, किसको, सॉलिड को। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड की। मैंने कहा एक आता हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नेक्स्ट आता हमारा एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड।
तो बच्चों क्या होता है क्रिस्टलाइज सॉलिड और क्या होता है अमरफस सॉलिड, तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट भी उनको करेंगे, उसी के साथ दोनों की प्रॉपर्टी भी हमें पता चल जाएगी इसमें। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहेंगे, इन विच द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज, जो कि जो घटक कण होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मैंने क्या कहा, पहले लिखूंगा इस पॉइंट को, इन विच द रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज, मतलब लॉन्ग रेंज तक क्या होगा, जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे इनके जुड़ने की जो व्यवस्था होगी वो नियमित चलती रहेगी। अब इसको कैसे समझेंगे, हम मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा इसका। यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को पॉइंट मानते हैं, पॉइंट के फॉर्म में लेते हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे हम इनको अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी लगे। और दूसरा है जिसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, ताकि हम थोड़ा समझ पाए उस चीज को कि मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट बच्चों, हम इनके बीच में जो इन दोनों जहां पर फर्स्ट रॉ के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो घटक कण है उनके बीच में जो उनका डिप्रेशन होगा, जो गर्त होगी, वहां पर हमने दूसरी रॉ के घटक कणों को रखना है। दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, और चाहे आप यहीं पे उसको खत्म कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ाना नहीं है इस रॉ को यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट रॉ में जो आएगी, थर्ड रॉ बनेगी हमारी, फर्स्ट के ही ठीक नीचे करेंगे और रेड वाला फिर इसके नीचे आएगा, इसका जो ब्लैक आएगा फर्स्ट के नीचे और थर्ड वाला यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो घटक कणों के जुड़ने की जो व्यवस्था होगी बच्चों इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो अब जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट चलेगी, लॉन्ग ऑर्डर तक ये अरेंजमेंट चलता रहेगा, तो इसको क्या कहा हमने, जैसे हमने रिपीट और बार बार ब्लैक रेड ब्लैक रेड चलता रहेगा। तो अब यहां पे हमने क्या कहा कि दो के बीच में एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आ गया, वही रिपीटेशन बार बार चलता रहा, तो लॉन्ग ऑर्डर तक होता है। तो इसमें कहा था हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इन विच द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज तक चलता रहेगा। अब अमरफस सॉलिड में हम क्या कहेंगे, इन विच द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स द रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज, या ये बोल सकते हैं हम इसमें कि जो घटक कण होते हैं ये इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इनमें, इन विच रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज, कि मतलब क्या होता है इसमें कि कुछ टाइम तक तो इनका अरेंजमेंट चलता रहेगा जैसे इसमें क्रिस्टलाइन में बताते थे, लेकिन उसके बाद इसका अरेंजमेंट क्या होगा, लॉस कर देगा अपने अरेंजमेंट को और फिर वो रैंडमली अरेंज होंगे इसमें। तो इसको क्या था हमने, इरेगुलर अरेंजमेंट भी हम इसको कहते हैं। अब इसको भी मैं इस तरीके से डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे इनके कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से नहीं होगा जैसे हम इसमें बना रहे हैं, कुछ टाइम तक तो लॉन्ग ऑर्डर चलेगा जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रखे, तो ये रैंडमली होगा, कहीं पे भी कोई भी फिट हो जाएगा और चलता रहेगा ये ऑर्डर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो ये तो उनकी जुड़े की व्यवस्था भी था। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम जो ये रीजन है यहाँ पे लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज ट्रू सॉलिड। क्या कहा बच्चों मैंने इसमें, ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज ट्रू सॉलिड। और अमरफस सॉलिड को क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड कहते हैं बच्चे इसमें हम। और इसका एक और नेम है जिसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड
लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है बच्चों? सीओ2 को तो मीनिंग हम समझ गए कि इसमें जो ऑर्डर कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद इसका ऑर्डर जो होगा डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब इसमें। लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड क्या कहते हैं हम, कि जैसे ग्लास होता है ना, कांच होता है, तो जो पुरानी बिल्डिंगें होती है उनमें जो खिड़कियां होती है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, 10-15 सालों में या इससे ज्यादा टाइम में क्या होता है, वो ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, स्लोली वो मेल्ट होता रहता है, धीरे धीरे पिघलता रहता है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो ग्लास क्या होता है, अब साइड से थोड़ा पतला होता है, नीचे साइड बॉटम में क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो क्या धीरे धीरे पिघलने वाला एक लिक्विड है, तो वैसे सॉलिड है, रखा हमने सॉलिड में, लेकिन सॉलिड की भी दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम MFS सॉलिड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम पे क्या आएगा, ग्लास इसका एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं हम, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या समझे हम, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स रेंज होती है, कि जैसे हम कहेंगे कि हम पे कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 135 है या 150 है, तो सब्सटेंस क्या करेगा, वहां पर मेल्ट हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में मेल्ट हो जाएगा वहां पर सब्सटेंस। तो मतलब शार्प का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या डेफिनेट होता है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट जिनका होता है उनको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और MFS सॉलिड में क्या कहते हैं हम, इट हैज मेल्ट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स इसका क्या बोला हमने, दे मेल्ट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स ये क्या होगा बच्चों इसमें, कि इसकी एक रेंज होगी। रेंज का मीनिंग हम पे क्या है, मार्कर है मेरा, ये क्या प्लास्टिक है एक टाइप का, यदि हम इसको मेल्ट करते हैं तो इसका पर्टिकुलर कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, इसको मेल्ट करने की कंडीशन आएगी तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी जहां पर एकदम मेल्ट हो जाएगा, तो इसका फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा। इसमें एक रेंज लेते हैं कि माना 150 टू 250 या 250 150 के बीच में जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसकी एक रेंज आती है, हमने कहा सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं कि सपोज दैट है 300 डिग्री सेल्सियस पे कोई प्लास्टिक या कोई सब्सटेंस मेल्ट होगा, तो क्या इसकी एक रेंज है जहां पर वो मेल्ट हो जाता है। सबसे मेन डिफरेंस है जिससे हम इसको समझते हैं वो होती है इनकी प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या कहा मैंने, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो कैसे होते बच्चों, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इनका नेचर एनआइसोट्रॉपिक होता है, बट इट इज ए आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये जो होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो टर्म्स यूज किए मैंने यहां पे, एनआइसो एंड आइसो, ये चीज हमें समझनी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इसमें। एनआइसो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि एक जो सब्सटेंस क्या करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ये क्या कह सकते हैं हम, इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशाओं में क्या होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कैसे समझेंगे हम इस चीज को, यहां पर मैंने आपके पास ये बनाया था इस तरीके का, इसी में हमने उस चीज को समझना है। यदि हम इसको फर्स्ट रो में लेके चले, फर्स्ट रो में देखते हैं तो उसमें एक ऑर्डर चल रहा है, क्या चल रहा है, ब्लैक रेड, ये लॉन्ग ऑर्डर तक चल रहा है इसमें। जब हमने इस डायरेक्शन से इसको देखना शुरू किया तो ऐसा दिखा हमें, यदि हम यहाँ पर ये, तो मैंने थोड़ा इसमें यहाँ पर रेड होगा, इधर भी हम दूसरी रो में बात करें सेम वही सीक्वेंस चलता रहेगा, लेकिन यदि हम क्या करते हैं बच्चों, यहां नीचे से देखना शुरू करें और इस रो में यहां ऊपर चलते हैं, हम कहां से इस रो से यदि ऊपर चले, ये रो यहां से ये लाइन ऊपर चल रही है, तो इसमें क्या आया, एक हम पे ब्लैक आया, फिर ब्लू ब्लैक रेड ब्लैक, लेकिन दूसरी जगह हम देखते हैं दूसरी रो में, इसमें देखो आप ब्लैक ब्लैक रेड, तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुआ, इसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण प्रदर्शित करेंगे
क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है एन आइसोट्रॉपिक का। और आइसोट्रॉपिक में क्या कहते हैं हम, इफ इट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, समान फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। कैसे करेंगे सेम प्रॉपर्टी शो, इसको हम इससे कैसे समझे कि हम क्या करते हैं, यदि कहीं पर आप भीड़ में हैं तो क्या होगा, आपको किसी पर्टिकुलर एक को ढूंढना है तो क्या होगा, आप कहीं से देखें तो आपको सेम दिखेगा। कहीं गर्ल्स बॉयज हमारे स्कूल है, स्कूल में क्या होता है गर्ल्स बॉयज होते हैं ना, तो आप किसी पर्टिकुलर एक को ढूंढना है तो सब एक ड्रेस में दिख रहे हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर एक इंसान को ढूंढना है तो उसको ढूंढना क्या होगा, थोड़ा टफ होगा। तो इसमें क्या है, सेम कंडीशन है, इधर से भी देखें तो वैसे दिखेगा, इधर से भी देखेंगे तो सेम वही दिखेगा, और इधर से भी आप देखते हैं तो सेम टाइप के आपको कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इसमें दिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड को। अब इसके एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इसके, NaCl इस क्रिस्टल को, इस इंपोर्टेंट क्रिस्टल बच्चों इसको हमने आगे स्टडी करनी है इसकी, KCl, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। एमरफस सॉलिड की हम बात करेंगे जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या हो गया हमारे, रबर, प्लास्टिक, और नेक्स्ट क्या आता बच्चों हमारे इसमें एक और आता है जिसको हमने अभी ऊपर कहा था, इसमें ग्लास, जो सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। तो बच्चों अभी मैंने बात की इसमें इससे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड की, अब जो एमरफस सॉलिड का था उसका काम यहीं पे खत्म हो गया, उसकी स्टडी हमें आगे नहीं करनी अभी। अब बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, लॉन्ग रेंज इसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये भी फोर टाइप से होते हैं, वैसे तो आपकी बुक्स में अलग अलग दिए हैं, मैं इनको एक ग्राफिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको इजी वे में थोड़ा सा समझें। फर्स्ट होता बच्चा इसमें आयनिक सॉलिड, दूसरा आता हम पे मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, नेक्स्ट आता बच्चों कोवलेंट सॉलिड और लास्ट आता हम पे जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और इसको बोलते हैं सहसंयोजी ठोस, और इसको कहते हैं आणविक ठोस। तो इस तरीके से चार टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब इनको मैं इसी के साथ एक ही साथ इनको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आपको भी इसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा किस किस टाइप से आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। अब पहला है बच्चों इसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं या जो घटक कण होते हैं आयनिक सॉलिड में कौन से होते हैं, मेटालिक में कौन से होते हैं। फर्स्ट मैंने क्या कहा, मार्कर थोड़ा सा लाइटली दिखेगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होता बच्चे इसका जो आयनिक सॉलिड होते हैं इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं, आयन्स। तो मैंने क्या कहा इसमें आयन्स होते हैं, आयन्स क्या होंगे बच्चों, कैटायन्स एंड एनायन, धनायन या ऋण आयन जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। अब मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, कोई मेटल आइटम होगा, जैसे हम आयरन लेते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब क्या है मेटल है, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होगा वो मेटल आइटम होगा। जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें भी एटम होंगे लेकिन कौन से, नॉन मेटल एटम होंगे, अधात्विक परमाणु जिसको हम कहते हैं नॉन मेटल एटम, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होगा। और जब मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो घटक कण होंगे वो मॉलिक्यूल्स या सम आयन, सम एटम्स, सम आइटम कौन से, सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सम परमाणु अणु, तो हम सिंपल लिख सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स। तो हो गया कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कौन सा बल इसमें कार्य करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयनिक सॉलिड में होता बच्चों इलेक्ट्रो स्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जो आयंस होंगे उनके बीच में बॉन्ड्स होगा, कौन सा होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड, किसमें, आयनिक सॉलिड्स में। मेटलिक सॉलिड में जो बॉन्ड की बात करें कौन सा बॉन्ड होगा, मेटलिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धात्विक बंध। और कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इसमें ये होता बच्चों, ये होता वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल बल होता इसमें, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो दो डिफरेंस हो गए। अब बात करते हैं इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की सेम कंडीशन होती है लगभग इनमें। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं इसमें, तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कैटायंस और एनायन होते हैं, मतलब दो अपोजिट चार्ज, जब दो अपोजिट चार्ज होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगा, मतलब जो आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होगा, तो उनको ब्रेक करने में हमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा मीन्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता हाई होता है। मेटलिक सॉलिड में भी इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये हाई क्यों होता है, जो मेटल आइटम होते हैं, ये मेटल आइटम क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके सराउंडिंग में इनके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो मेटल और इसके सराउंडिंग में क्या, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका एक मेघ होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसे हम कहते हैं। दूसरा आता है कोवलेंट, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो इसके भी टाइप्स पड़े हैं, तो नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, ये सब आते हैं इसमें। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है थोड़ा कम होता है, या हम लिख सकते हैं लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम इसमें बताते हैं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी है जिसको हम चालकता कहते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, हायर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होते हैं, जो कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये चालकता होते हैं, दे सो कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। कंडीशन तो हायर कंडक्टिविटी तो होती है, लेकिन उनको पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्टन स्टेट में, या उनको पहले सॉल्यूशन फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उनको पहले बिलियन बनाना पड़ेगा हमें, तब उसके आयन क्या होंगे, फ्री होंगे। जब आयन फ्री होंगे तो इजीली मूव हो सकते हैं अपोजिट चार्ज की और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, दे सो कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं बच्चों, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम पे है NaCl का, सोडियम क्लोराइड जो है, जब उसको हम जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उस टाइम वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन जब उसको मोल्टन स्टेट में लाएंगे या जब उसको बिलियन में परिवर्तित करेंगे तो उसके आयन फ्री हो जाएंगे और चालकता प्रदर्शित करते हैं। और मेटलिक सॉलिड भी क्या होते हैं बच्चों, हायर कंडक्टिविटी, हाइस्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं। आप कैसे शो करते हैं, मेटल की हम बात करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया या आयरन हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल आयरन के हम पे। तो आयरन में क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे कहा था मेटल एटम होते हैं, ये किस टाइप से अटैच होते हैं, यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक बनाऊ और उस ब्लॉक में क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव, जो आयरन के 2 पॉजिटिव आयंस हैं, इस तरीके से क्या होगा, ये होंगे। और इनके सराउंडिंग में पर्टिकुलर जो कोई भी एटम है, इनके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनों का एक मेघ होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मेघ, मतलब जैसे मेघ चलते, बादल चलते ना, सेम उसी तरीके से इन सबके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी क्या होता है, हायर कंडक्टिविटी शो करते हैं, हीट एंड कंडक्टिविटी दोनों हम साथ में लिख सकते हैं। और ये जो होते हैं कोवलेंट वाले, लो कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं बच्चों, और इनकी जो होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की वेरी लो कंडक्टिविटी यहां पर प्रदर्शित करते हैं।
तो इनके अब एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे जिससे हम इसको इजी वे में थोड़ा और समझ सकते हैं। तो लास्ट डिफरेंस में हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे NaCl, KCl, ये क्या है हमारे, या AgBr है, ये आयनिक सॉलिड में आते हैं। और अब मेटलिक सॉलिड में मेटल आएंगे, आयरन, जिंक और जो भी हमारे होते हैं इसमें कॉपर, गोल्ड, ये सब किस में आते हैं बच्चों, हमारे मेटलिक सॉलिड में। और लास्ट बचता हमारा कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड मीन्स जिसमें सेम टाइप के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, जैसे डायमंड। ये क्या होता है डायमंड में, डायमंड में सेम कार्बन एटम होते हैं जो सी सी बॉन्ड इस तरीके से आपस में बॉन्डेड होते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, डायमंड इसके एग्जांपल है। और लास्ट एक बचता है हम पे मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड मीन्स कोई भी जो कंपाउंड है जो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर, जैसे हम बात करेंगे H2O जब एक सॉलिड फॉर्म में है, मीथेन हो गया, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर CO2 है, ये सब क्या है मोलिकुलर सॉलिड, ये मोलिक्यूल से मिलकर बने हैं और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, इसमें पहले बताया कि सॉलिड टू टाइप से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरबस सॉलिड। उसके बाद बात की मैंने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं फोर टाइप से होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड, फोर टाइप के थे। तो आप फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लें और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यूनिट सेल क्या होती है जिससे पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा।